हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एसके चौधरी और आज आपसे मैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉ ऑफ पावर से कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं। ये बहुत ही पावरफुल बुक है जिसे पढ़कर आप ऐसे ट्रिक्स जान पाएंगे जिससे आप खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लॉ से। अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर हैं। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। अपने मास्टर को सदा यह महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर और प्रतिभाशाली हैं, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। नेक्स्ट, अपने उद्देश्य को छुपाएं। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं किसी से ना बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को यह पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वह आपके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बना सकते। जब तक वो आपकी इरादे को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी सारी कमजोरियां पता चलेगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही आप साधारण लगते हैं। अगर आप कुछ साधारण सी बात कहती हैं, लेकिन उसे अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहने से लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, दूसरों को अपने काम से जीतें, अपने आर्गुमेंट से नहीं। आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत, वो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्गुमेंट या बहस ना करें, उनके साथ सदा सहमति जताएं। नेक्स्ट, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें, इससे उनकी नजरों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। नेक्स्ट, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे, तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, वह भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू में बेहद ईमानदारी और उदारता दिखाएं, और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे, तो आप जैसे चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेरा फेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा के कवच को भेद सकती है। नेक्स्ट, जब आप किसी से मदद मांगे, तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या किया है, तो मदद करने के बजाय वो आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिसकी उन्हें इस समय जरूरत है, तो निश्चित ही वो आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और मदद के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दें। प्राचीन भारत के मशहूर दार्शनिक कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के अवशेष आग और बीमारी की तरह होते हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि व्यक्ति वक्त के साथ साथ वह और भी खतरनाक बन जाता है। कौटिल्य कहते हैं,
दुश्मन सूखी घास के ढेर पर अंगारों की तरह होता है, जो सुलग कर पूरी घास को जला सकता है। जब आप सोच रहे होंगे अपने दुश्मन को कैसे मार सकता हूँ, इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन का कत्ल कर दें। असल में यहाँ दुश्मन का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों से है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रतियोगियों पर हमेशा हावी रखें। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। जितना आप लोगों को नजर आएंगे, सुने जाएंगे, उतना ही साधारण लगेंगे। किसी भी प्रसंग की शुरुआत में आपको अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं तो भुला दिए जाएंगे। जब आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति प्रेम की भावना जाग जाए तो आपकी अनुपस्थिति उसे और बढ़ा देगी। दूसरों की नजरों में अपना आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति को आप एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपकी उपस्थिति ज्यादा होगी, वहाँ लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करना सीखें। नेक्स्ट, किसी से कमिटमेंट ना करें। आप किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, क्योंकि जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं तो आप उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जिससे आप कमिटमेंट करते हैं, आपका नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। आपको अपनी छवि मजबूत बनानी चाहिए। किसी से कमिटमेंट करने का मतलब है अपने आप को उनके हवाले कर देना। ऐसा करने से आपका कर्तव्य बढ़ जाता है और खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप कभी किसी से पक्का वादा ना करें और खुद को एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें और लोगों को अपने काम के लिए खुद आपके संपर्क करें। नेक्स्ट, लोगों को उन्हीं की तरफ बनकर फंसाएं। अपने प्रतियोगी से मूर्ख दिखें। दोस्तों, दूसरों के सामने कोई भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता है। ऑथर हमें बताते हैं कि आप अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि आपसे अधिक होशियार। एक बार आपके प्रतियोगियों को यकीन हो गया कि वो आपसे अधिक स्मार्ट है, तो उन्हें कभी नहीं लगेगा कि आपका कोई गुप्त उद्देश्य है। अपने प्रतिद्वंदी को मिसगाइड करना, यानी कि अपने उद्देश्य से बहकाना, एक बहुत अच्छी तरकीब है। अपने प्रतियोगियों के सामने बेवकूफ बनकर रहें और उन्हें यह दिखाएं जैसे आप कुछ नहीं जानते। ऐसा करने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में दूसरे को बताना चाहता है। इससे लोग आप पर शक नहीं करेंगे और यह नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने बारे में किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए बेवकूफी साबित हो सकती है। नेक्स्ट, आत्मसमर्पण की युक्ति इस्तेमाल करें। अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। जब आप कमजोर हो तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा। आप फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कमजोरी की अवस्था में लड़ेंगे तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप हार जाएं, आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दुश्मन तक पहुंच पाएंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आपका ध्यान एक लक्ष्य पर नहीं है तो यह लॉ खास तौर पर आपके लिए है। कुछ लोगों को अपना ध्यान एक काम पर लगाने में मुश्किल होती है। जब भी वह अपना ध्यान किसी काम में लगाने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों और चीजें उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसका समाधान यह है कि हमें अपने विचारों को और कार्यों को केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा ध्यान एक दिशा में लगाना चाहिए। कुछ लोग बार बार अपने कार्य के क्षेत्र को बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। इससे बेहतर यह है कि किसी एक क्षेत्र में ध्यान लगाएं जो आपकी रुचि और काबिलियत के मुताबिक सबसे अच्छा हो, और उसी क्षेत्र में लगातार मेहनत करें। ऐसा करने से आपकी सारी ताकत और ऊर्जा एक ही कार्य में केंद्रित होगी और आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट,
अपनी खुद की शैली में रॉयल बनकर रहें, राजा की तरह नजर आएं। यह लॉ कहता है कि आप जिस तरह लोगों को नजर आएंगे, लोग उसी तरह आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप असभ्य और साधारण दिखेंगे तो लोग आपका आदर नहीं करेंगे। राजा लोग खुद अपना आदर करते हैं और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप खुद का सम्मान करेंगे तो आपके व्यवहार में नजर आएगा। दोस्तों, रॉयल बनने के लिए हम आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली बात, आपको जो भी चाहिए उसे पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ मांगे। दूसरी बात, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क बनाए और यह दिखाए कि आप उनके बराबर हैं। तीसरी बात, अपने से बड़े लोगों को तोहफा दें, यह दिखाने के लिए कि आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। अपनी कीमत हमेशा ज्यादा रखें, क्योंकि अगर आप कम मांगेंगे तो आपको हमेशा कम ही मिलेगा। जब आप अपने लिए बड़ी कीमत निर्धारित करेंगे तो आप एक राजा की तरह बड़े नजर आएंगे, क्योंकि बड़े लोग कम कीमत में काम नहीं करते। ऐसा करने से लोगों का आपको आपका आत्मविश्वास दिखेगा और वो आपका सम्मान करेंगे। नेक्स्ट, समय के प्रबंधन की कला को सीखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका खुद पर और समय पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। हमेशा धीरज रखें और धैर्य से काम लें, जैसे कि आपको पूरा विश्वास हो कि आप हर चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अक्सर हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम उस काम को करना चाहते हैं, या फिर मौजूदा परिस्थितियां हमें वह काम करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन हर काम को करने के लिए एक सही समय होता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम किसी कार्य को करने में इतनी देर कर दें कि उसे करने का सही समय निकल जाए। हमें ना तो कोई कार्य जल्दबाजी में करना चाहिए और ना ही बहुत देरी से। हमें उसे सही समय पर करना चाहिए। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समय के प्रबंधन की कला को सीख लें। कामयाब लोग होने में और शक्तिशाली बनने में समय का प्रबंधन एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह काम करता है। नेक्स्ट, आप जैसे चाहे सोचो पर दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप आज के जमाने के साथ नहीं चलेंगे और लोगों को अपने परंपरागत विचार बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा करने पर लोग आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सुरक्षित तरीका यही है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं और उन्हें वही दिखाएं जो वह देखना चाहते हैं। आपके विचार सिर्फ उन लोगों को बताएं जो उनमें विश्वास करते हैं। धोखा देने की कला कितनी शक्तिशाली हो सकती है। जैसे एक गिरगिट इर्द गिर्द के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलता है और सही मौका देखकर अपने शिकार पर आक्रमण करता है, उसी तरह शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल में ढल कर रहे हैं। दोस्तों, यह लॉ हमें बताता है कि ऐसे विचारों को प्रकट करने का कोई फायदा नहीं जो हमारे लिए खतरा पैदा कर दे। ऐसे विचारों को दबाकर रखने में ही समझदारी है। नेक्स्ट, मछली पकड़ने के लिए पानी में हड़कंप मचाएं। दोस्तों, यह लॉ कहता है कि गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए हमें सदा शांत रहना चाहिए। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो किसी के भी उकसाने पर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मछली का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों और दुश्मनों से है और पानी का मतलब आपके प्रतियोगियों की भावनाएं हैं। अगर आप अपने दुश्मन को उकसाकर, गुस्सा दिलाकर खुद शांत रह सकते हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जब आपका दुश्मन बहुत गुस्से में हो तो ऐसे हालात में शांत रहना ही सबसे अच्छी तरकीब है। यह लॉ हमें बताता है कि जब पानी स्थिर होता है, यानी आपका दुश्मन शांत होता है, तो उसके पास योजना बनाने के लिए और आक्रमण करने के लिए समय होता है। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आप दुश्मन को कदम उठाने के लिए उकसाएं, वह भी उस समय जब वह लड़ने के लिए तैयार न हो।
ऐसा करने से वह निश्चित तौर पर गलत कदम उठाएगा और उसका फायदा आपको होगा। दुश्मन की ऐसी भावनाओं को जगाएं जिन पर उनका नियंत्रण ना हो, जैसे प्यार, गर्व, घमंड और क्रोध, क्योंकि ऐसा करने से वह कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा और निश्चित तौर पर अंत में जीत आपकी ही होगी। नेक्स्ट, मुफ्त में मिलने वाली चीज का तिरस्कार करें। दोस्तों, मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है। जब कोई आपको मुफ्त में कुछ देने की कोशिश करता है तो इसके पीछे उसकी कोई गुप्त तरकीब या गुप्त उद्देश्य हो सकता है। अगर कोई आपको मुफ्त उपहार देता है तो आप उसके कर्ज के नीचे दब जाते हैं। आप तोहफा देने वाले व्यक्ति के सामने छोटे नजर आते हैं और आप उन्हें किसी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति हमें मुफ्त में कोई तोहफा देता है तो वह उसके बदले हमसे कुछ न कुछ जरूर चाहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक तौर पर होता है। आप तोहफा देने वाले व्यक्ति के एहसान तले दब जाते हैं और वह व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उस एहसान के बदले में आपसे कुछ न कुछ मांगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको मुफ्त में कुछ देता है तो आप उसकी कीमत अदा कर दें। ऐसा करने से आपका तोहफा देने वाले के एहसान से बचे रहेंगे और आप उन्हें किसी कार्य के लिए मना भी कर सकते हैं। शक्तिशाली लोग दूसरों से प्रभावित नहीं होते बल्कि उन्हें प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो उनका खर्च कराने की बजाय आप खुद उनके लिए पैसा खर्च करें। ऐसा करने से आप स्वतंत्र और नियंत्रण में रहेंगे और किसी के एहसान से बचे रहेंगे। अगर आप लोगों को एहसान और नियंत्रण से बचना चाहते हैं तो उनसे कोई भी चीज मुफ्त में ना लें, बल्कि अपनी तरफ से आप जो दे सकते हैं उन्हें दें। नेक्स्ट, लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित करें। यह लोग कहता है कि प्रोत्साहन और प्रलोभन किसी जंग को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी पर शक्ति का उपयोग करके जीतते हैं तो उनकी नाराजगी समय के साथ नफरत का रूप ले लेती है और आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। आपको लोगों को अपने रास्ते पर लाने के लिए उन्हें बहकाना होगा। जिस व्यक्ति को आप बहकाते हैं वो आपका एक वफादार मोहरा बन जाता है। दोस्तों, लोगों को बहकाने के लिए आपको उसके मनोविज्ञान और कमजोरियों का पता होना चाहिए। लोगों को बहकाने के लिए आपको उनकी भावनाओं पर काम करना होगा। यह लोग कहता है कि हमें अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों को जीतने के लिए प्रोत्साहन और प्रलोभन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों की दिल और दिमाग को नियंत्रित कर पाएंगे और उनसे जो चाहे वह काम करवा सकेंगे। नेक्स्ट, अपनी जीत के लक्ष्य से ज्यादा आगे ना जाएं। दोस्तों, जीत की घड़ी जोखिम की घड़ी होती है। जीत की खुशी में आपकी उदंडता और आपका आत्मविश्वास आपको ज्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। आपके लगातार आगे बढ़ते रहने से आपके बहुत से नए दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, जीत हासिल करने के बाद आपको विराम लेना चाहिए और सावधानी से अगले लक्ष्य की योजना बनानी चाहिए। कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप एक लक्ष्य हासिल करने के बाद विराम लें। लोगों और अपने प्रतियोगियों की प्रक्रिया को समझें। इस बात के लिए तैयार रहें कि कामयाब होने के बाद आपके प्रतियोगी आपके खिलाफ कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे। शक्तिशाली लोग हमेशा एक योजना से काम नहीं करते, वे परिस्थितियों के हिसाब से अपनी योजनाओं को बदलते रहते हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से उनके प्रतियोगी उनकी योजनाओं को नहीं समझ पाते, वो अपना अगला लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होते हैं। नेक्स्ट, निराकार बनकर रहें। ब्रूसली ने कहा था, हमें पानी की तरह निराकार होना चाहिए। जिस तरह पानी बर्तन का आकार ले लेता है, उस तरह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार आकार ले लेना चाहिए, जिससे वह अपने आने वाले खतरों से बचा रहता है। दोस्तों, अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हो, आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप दुश्मनों की योजनाओं को जान पाएंगे और उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। कामयाब और शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप निराकार बनकर रहें। दोस्तों, यह रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉ ऑफ पावर से कुछ चुनिंदा लॉ था जो मैं आपके लिए लेकर आया था।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लिए सिर्फ एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक करने के बाद सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मेरी कोशिश ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही साथ अपना प्यार और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।